बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्टडी भी साथ साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी पार्ट 2 का। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। तो आज के भी जो हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो बड़े अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आज हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म को, फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो स्टूडेंट, जिस जिस तरह मैंने हेडिंग्स बनाई हो उसी तरह से आपने इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, उसी तरह से आपने इन टॉपिक्स को याद करना है। तो एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जिस तरह हमने प्लेनेरिया का इंट्रोडक्शन देखा था, तो इट बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा, चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था, जिन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है जिसे हम सिलोम कहते हैं। इट एग्जिबिट टेरिस्ट्रियल एंड मेराइन इन्वायरमेंट, मोस्टली ये क्या होता है, टेरिस्ट्रियल और मेराइन इन्वायरमेंट में होता है। तो हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, यहाँ पे अर्थवर्म आना था सॉरी, कंसिस्ट ऑफ मेटानेफ्रीडियम, नेफ्रोस्टोम्स एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म कंसिस्ट ऑफ मेटानेफ्रीडियम, नेफ्रोस्टोम, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो मेटानेफ्रीडियम क्या होती है स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं। अर्थवर्म इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल। अब हमने प्लेनेरिया में पढ़ा था, प्लेनेरिया में हमने देखा था कि प्लेनेरिया के अंदर भी क्या थी, लॉन्ग टिब्यूल्स थी जो बॉडी की दोनों साइड पे लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही थी, लेकिन उनकी जो इंटरनल ओपनिंग्स थी वो क्लोज थी और उन ओपनिंग्स के ऊपर क्या थे, हमारे पास फ्लेम सेल्स थे। अब यहाँ पर जो है वो इंटरनल ओपनिंग जो है वो ओपन है, इंटरनल ओपनिंग्स हैं, जबकि उधर क्या थी, इंटरनल ओपनिंग्स नहीं थी, वो विदाउट इंटरनल ओपनिंग थी। जबकि मेटा ने वो थे प्रोटोनेफ्रीडियम, जबकि मेटानेफ्रीडियम में इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम, तो आप कहेंगे प्रोटोनेफ्रीडियम में, प्रोटोनेफ्रीडियम वो जो टिब्यूल्स हैं वो विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स हैं, जबकि मेटानेफ्रीडियम में इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। और जो प्रोटोनेफ्रीडियम है दे आर फाउंड इन प्लेनेरिया, वो प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जबकि मेटानेफ्रीडियम वो ये अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अनदर टाइप ऑफ टिब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडियम। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, हमने पढ़ा कि अर्थवर्म क्या है, सेगमेंटेड वर्म है, ये सेगमेंटेड वर्म है। तो सेगमेंटेड वर्म्स क्या करते हैं, इनके हर सेगमेंट के अंदर ये पेयर होता है मेटानेफ्रीडियम का। तो हमने एक सेगमेंट को आज देखेंगे और हर सेगमेंट के अंदर उसी तरह से ही स्ट्रक्चर होता है। तो ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम। तो नेफ्रोस्टोम किसे कहते हैं, दिस सिस्टम हैज़ एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग, जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसके गिर्द सिलिया लगे होते हैं, तो इसलिए हम सिलिएटेड ओपनिंग कहते हैं, उसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इमर्स्ड इन द सिलोमिक फ्लूइड, और वो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या होती है, पड़ी होती है, उससे सिलोमिक फ्लूइड क्या करता है, इसके अंदर मूव करता है मेटानेफ्रीडियम के अंदर। तो इसके गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, नेफ्रोस्टोम इज इनवेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है मेटानेफ्रीडियम, ये एक सेगमेंट है इधर तक इतना, तो ये एक सेगमेंट है, ये पूरा एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट हमने ये पूरा बनाया हुआ है। तो एक सेगमेंट के अंदर ये पूरी मेटानेफ्रीडियम्स है, ये मेटानेफ्रीडियम है हमारे पास, और ये इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है ये उसके गिर्द सिलियाँ हैं, और ये जो इंटरनल ओपनिंग है ये है नेफ्रोस्टोम, दिस इज़ नेफ्रोस्टोम, दिस इज इंटरनल ओपनिंग, यहाँ से ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर है, ये सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड क्या करता है, वो मूव करता है नेफ्रोस्टोम के जरिए मेटानेफ्रीडियम के अंदर। अब आगे ये है कैपिलरीज, आगे ये हमारी जो स्मॉलर टिब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं, इनके गिर्द क्या लगा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क क्या करता है कि उस सिलोमिक फ्लूइड से फूड और साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और आगे से उसको क्या किया जाता है, उसको लार्जर डक्ट्स में भेजा जाता है, जहाँ से उसको क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन।
तो सबसे पहले एंट्रेंस फूड अंदर एंटर कैसे होगी, तो एंट्रेंस नेफ्रोस्टोम कोलेक्ट्स सॉरी फूड नहीं सिलोमिक फ्लूइड कैसे एंटर होगा, नेफ्रोस्टोम कोलेक्ट्स सिलोमिक फ्लूइड, जो नेफ्रोस्टोम था मैंने आपको बताया उसका काम क्या है, सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करना, रीअब्जॉर्प्शन करके एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द टिब्यूल एपिथिलियम रीअब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन, वो ल्यूमेन के अंदर से जो क्या करेगा साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड कैपिलरीज एंड सेंड्स टू द ब्लड वेसल सराउंडिंग द नेफ्रिडियम। ये स्टूडेंट्स ये जो टिब्यूल्स का अंदर का हिस्सा होता है इसे कहते हैं ल्यूमेन, आप लोग जानते हैं। इस ल्यूमेन के अंदर अब सिलोमिक फ्लूइड है ना, तो इसके गिर्द से नमकियात को एब्जॉर्ब करके इस ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। तो रिमूवल क्या होता है, द लेफ्ट ओवर अपीयर्स एज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो उसे क्या किया जाता है रिमूव कर दिया जाता है। तो फिर लास्ट में हमने क्या देखना होता है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट इज यूरिया। ये आपने बात याद रखनी है कि टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ये इसका अर्थवर्म का, तो ये क्या करता है यूरिया को एक्सक्रीट करता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो कॉकरोच को हम देखते हैं आज, इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो उनके जो अंदर होते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जिस तरह हमारे अंदर एक पेयर है लेग्स का, इसी तरह इनके अंदर भी अपेंडेजेस होते हैं ज्वाइंटेड, तीन पेयर्स होते हैं लेग्स के। इट इज़ ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है सिलोमेट होता है, इसके अंदर हीमोसील पाए जाते हैं। इट एग्जिबिट टेरिस्ट्रियल एंड एरिड इन्वायरमेंट, इन कॉकरोच हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट, क्योंकि इसका जो ब्लड होता है वो विदाउट हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर जो क्या होता है उसके अंदर पिगमेंट नहीं होता है रेड, इस वजह से वो क्या करता है हमें वाइट नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स मैं ज़रा ये स्कूल में जो है वो इस वक्त मौजूद था, तो उधर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाहर ऑफिस में, तो बाहर जो है रोड है उससे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है, डोर वगैरह तो क्लोज हैं फिर भी थोड़ी आवाज़ आ जाती है। तो आप हैंड फ्री लगा के जो है फिर भी लेक्चर जो है वो हैंड फ्री लगा के लिया करें, वो अकॉर्डिंग टू आवर सेंसेशन जो है वो हैंड फ्री वॉइस प्रोड्यूस करती है, और वही वॉइस हमारे कानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो ज़्यादा वॉइस भी नहीं करनी। तो उसके बाद है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, यहाँ पर फिर बाय मिस्टेक प्लेनेरिया लिखा गया था, मैंने कॉपी किया था। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एंड हाइंड गट, ये बहुत आसान है ये वाला, तो हमने चूँकि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं और हाइंड गट है। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स पर्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अडेप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसिस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉकरोच का ये डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, इसके अंदर ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस डायग्राम में देखते हैं ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, ये अंदर सिलोमिक फ्लूइड के अंदर पड़ी होती हैं, तो ये सिलोमिक फ्लूइड को क्या कर लेती हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये अपने अंदर क्या कर लेती हैं सिलोमिक फ्लूइड के से वेस्ट को क्या करती हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो आगे कोलोन इलियम से कोलोन में रेक्टम में जाके फिर क्या होती है इसके अंदर, ये हमने पढ़ा था मैट्रिक में कि इंसानों के अंदर फर्स्ट ईयर में इंसानों में कोलोन से रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि जो इंसेक्ट है इसके अंदर कहाँ से होती थी रेक्टम से रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी और नमकियात की। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हम देख रहे थे। तो टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स पर्टिकुलरली इन इंसेक्ट्स द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अडेप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ, ये हीमोलिम्फ से लेते हैं। साइनसिस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, फर्स्ट ईयर में भी समझाया हुआ, साइनसिस जो होते हैं वो छोटे खाने होते हैं जिनके अंदर ये ट्यूब्यूल्स गई होती हैं, जिनके अंदर से ये ट्यूब्यूल्स गुजरती हैं, तो उनके अंदर जब वो फ्लूइड आता है तो उनसे ये क्या करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, मतलब कि जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो साइन बॉडी के अंदर जो साइनस हैं उनके अंदर गई होती हैं, साइनसिस में जब हीमोलिम्फ आता है तो वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं उधर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं साल्ट्स और वाटर को।
तो दीज मालफिकियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ, ये हेमोलिम्फ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिएब्जॉर्ब करके साथ पानी भी आ जाता है। तो दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल किंगडम डैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आर्थ्रोपॉड्स आते हैं, जिनका जो आपने ये एमसीक्यूज भी याद रखना है, जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। ये बात आपने याद रखनी, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। तो दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में, डैट आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास डायग्राम थे, हीमोलिम्फ इधर अंदर साइनसिस होते हैं, ये बॉडी के अंदर साइनसिस आपको नजर आ रहे हैं, ये साइनसिस होते हैं, ये हीमोलिम्फ अंदर, ये मालफिकियन ट्यूब्यूल्स हैं अंदर, यहाँ पे हीमोलिम्फ आता है, मालफिकियन ट्यूब्यूल्स उसको रीअब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन में ले जाती हैं, वहाँ पे ये हाइंडगट है हमारा, इंटेस्टाइन और रेक्टम, यहाँ से क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन उसकी, क्या हो जाती है पानी जो नमकिया साथ आ जाती है, हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स इंक्लूडिंग साल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। दोनों मैंने कहा आपको कि साल्ट्स भी और नाइट्रोजीनियस वेस्ट दोनों को हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में भेज दिया जाता है, मालफिकियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में चले जाते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर सुराख होते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग सिर्फ एक सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर से इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट और साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, वो मूव कर जाते हैं मालफिकियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। फ्लूइड देन पासिस टू हाइंड गट, फिर वो हाइंड गट से रेक्टम में चले जाते हैं, रेक्टम रीअब, ये बड़ा अहम एमसीक्यू है कि कॉकरोच के अंदर रेक्टम रीअब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द साल्ट एंड वाटर, दस नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड। तो उसके बाद हमने नेचर देखनी होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एरिड इन्वायरमेंट इज यूरिक एसिड। एरिड इन्वायरमेंट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है सॉलिड यूरिक एसिड होता है, क्योंकि इनके पास पानी की जो मिकदार होती है वो बहुत ही कम होती है, हमने ये चीज़ पीछे देखी है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे इंसान के, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।